नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना लागू की गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर होते हैं उनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, साथ में बहुत सारा जो लाभ है वो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कारीगर थे जो कि काम तो अलग अलग तरीके का यहाँ पे करते थे, जैसे कि यहाँ पे लोहार हो गए, बढ़ी हो गए, या फिर और भी अन्य तरीके का जो यहाँ पे काम होता था वो काम करते थे, लेकिन उनके पास जो है किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि आप जो है यहाँ पे बढ़ी का काम जानते हैं, या फिर आप जो यहाँ पे लोहार का काम जानते हैं, या फिर सोनार का काम जानते हैं। जो भी काम वो करते थे उनका कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास उपलब्ध नहीं था, कोई आईडी कार्ड यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण कि उनको जो है बहुत सारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलता था, बहुत सारे जगहों पे वो यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाते थे कि हम ये काम करते हैं, तो इनसे जो उनको लाभ नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने जो है एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे परंपरागत काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि लोहार हो गए, बड़ी हो गए, सोनार हो गए, कुम्हार हो गए, जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उन सभी का यहाँ पे आईडी कार्ड वितरित किया जाएगा कि आप जो है क्या काम करते हैं, जिससे कि उनको आगे चल के बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ में उनको जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब इससे जो है उनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में सरकार जो है इस योजना के अंतर्गत भी अलग अलग तरीके का जो लाभ है वो यहाँ पे देने वाली है। जैसे कि यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो भी काम करते हैं आप, उससे रिलेटेड जो भी औजार होता है उसको खरीदने के लिए आप लोग को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए यहाँ पे दिया जाने वाला है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बढ़ी है, तो बढ़ी में के काम में जो भी आप लोग का औजार लगता है उन औजार को आप खरीद सकते हैं, उसके लिए सरकार आप लोग को 15,000 रुपए देगी। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लोहार है, लोहार काम करने के वाला जो यहाँ पे औजार होता है वो औजार खरीदने के लिए सरकार आप लोगों को यहाँ पे पैसा देगी। तो यहाँ पे जो है सरकार आप लोगों को औजार खरीदने के लिए भी पैसा देगी, साथ में आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, आईडी कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा कि आप ये काम करते हैं, साथ में सरकार आप लोगों को जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए का आप लोगों का जो क्रेडिट इनपुट है, यानी कि एक तरीके से लोन हो गया, वो आप लोगों को यहाँ पे देने वाली है, जिससे कि आप लोग आगे अपना जो काम है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको आप और भी आगे ले जा सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को सरकार यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगी, आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को सरकार यहाँ पे ट्रेनिंग देगी, जिससे कि आप लोग और भी अपने काम में माहिर हो जाएंगे, और भी अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे और आप अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो है मेन आप लोग यहाँ पे जो कारीगर लोग हैं उन्हीं के लिए आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है। किसी भी तरीके का आप काम करते हैं तो ऐसे में आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या आप लोग वहाँ पे सूचना निकल के आ रही है, सब कुछ मैं आप लोगों को वहाँ पे बताने वाला हूँ। कहाँ से आप लोगों को वेबसाइट मिलेगा, कहाँ से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको वहाँ पे जानकारी मिल सके, और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाते रहें और आप लोग वहाँ पे जानकारी देते रहें। चलिए हम आप लोग वहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आप लोगों को यहां पे लाभ दिया जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आप लोगों का वेबसाइट यहां पे लॉन्च किया गया है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहां पे लॉन्च किया गया है। यहां पे देख पाऊंगे मैंने जो यहां पे पीएम विश्वकर्मा योजना का जो वेबसाइट है उसको यहां पे ओपन कर रखा है। अब यहां पे जो है बहुत सारे लोगों को ये वेबसाइट का लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे ये वेबसाइट नया लॉन्च किया गया है, तो अभी फिलहाल लिंक मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से इस वेबसाइट पे आना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उसके लिए आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC, आप यहां पे जो लिखा हुआ देख रहे हैं यही आप लोगों को अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है, फिर आपको नीचे आना है, लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना का ऑप्शन मिलेगा, सरकारी योजना में चेक करना है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023 यहां पे देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है तो यहां पे पीएम विश्वकर्मा या फिर पीएम लिखकर भी आप सर्च कीजिएगा तो भी आप लोगों को जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहां पे देख पाओगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम, यहां पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप नीचे आइएगा, यहां पे बहुत सारा आप लोगों को जो है जानकारी देखने को मिलेगा, आपको सबसे नीचे आना है, यहां पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो आप लोगों का पीएम विश्वकर्मा का नया वेबसाइट है वो आप लोग यहां पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अबाउट स्कीम का ऑप्शन है, इस पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्कीम का गाइडलाइन दिया गया है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। सबसे पहले एलिजिबल ट्रेड, यानी कि आप क्या क्या काम करते हैं तो आप लोग को लाभ मिलने वाला है, तो यहाँ पे देख पाओगे सारा आप लोग का जानकारी दिया गया है कि आप इनमें से कोई भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अदर्स में बास्केट हो गया, मैट हो गया, रूम मेकर हो गया, डॉल एंड टॉय मेकर हो गया, इनमें से कोई भी काम आप करते हैं तो आप जो
इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब आप लोग का अलग अलग यहाँ पे ट्रेड है, उसमें आप लोग कुछ भी काम करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को पूरा जानकारी दिया गया कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि आप जो 18 साल के यहाँ पे होने चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बताया गया कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिए पहले से कोई भी लोन नहीं लिए हुए हैं, कोई भी क्रेडिट आप नहीं लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे पीएमजीपी लोन अगर आप नहीं लिए हुए हैं, पीएम स्वनिधि वाला लोन आप नहीं लिए हुए हैं, मुद्रा लोन नहीं लिए हुए हैं पिछले 5 साल में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए करना क्या है, लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख पाओगे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, सीएससी व्यू ई श्रम डाटा, यहाँ पे डीएमसी डीसी लॉगिन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें से आप लोगों को करना क्या है, सीएससी व्यू ई श्रम डाटा, इस पर आपको जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बोला जाएगा कि आप अपना जो सीएससी का आईडी पासवर्ड है उसको डालकर लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है, ये कैप्चर करके आप लोग को साइन इन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जो है सीएससी आईडी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं होता है तो आप जो पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग को आवेदन करवाना है तो आपके आसपास में जो भी सीएससी सेंटर है वहां पे जाइए और जाकर आप आवेदन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों के पास जो है सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के पास जो है आईडी पासवर्ड नहीं होता है, तो सीधे आप सीएससी सेंटर जाइए, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उनका जो है यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया जाएगा और वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो सीएससी वाला आप लोग का रजिस्ट्रेशन था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद यहाँ पे जो सीएससी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाए तो यहाँ से आप जो रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को जानकारी दे दिया कि कहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आप लोग का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप लोगों का अप्रूव होगा, तब जाकर आप लोगों का सर्टिफिकेट यहां पे जनरेट होगा। दोस्तों यहां पे इसके लिए आप लोगों का जानकारी दिया गया, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अबाउट स्कीम का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। स्कीम गाइडलाइन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो एक पीडीएफ आप लोगों का डाउनलोड होगा कुछ इस तरीके का एक पीडीएफ, और इस पीडीएफ में आप लोगों को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का क्या होगा। तो यहां पे देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दिया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट, यानी सबसे पहले आप लोगों को सीएससी सेंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, तो वेरिफिकेशन एट ग्राम पंचायत और यूएलबी लेवल, यानी यहां पे क्या है कि आपका जो ग्राम पंचायत, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत से आप लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप ये काम करते हैं, और अगर आप जो यहां पे शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग से आप यहां पे बताया गया मीटिंग एंड रिकमेंडेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट कमेटी, यानी कि एक जो है आप लोगों का कमेटी बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस बाद वहां से आप लोगों का रिकमेंडेशन यहां पे किया जाएगा और उस पर अप्रूवल किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा कमेटी के द्वारा, और फिर आप लोग यहां पे जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहां पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, इस तरीके से आप लोगों का जो अप्रूवल है वो यहां पे आप लोगों को दिया जाएगा। तो सब कुछ मैंने आप लोगों को यहां पे जानकारी दे दिया, जितने भी लोग यहां पे कारीगर हैं उनके लिए जो अच्छी अपडेट है, आप जो इसमें जरूर आवेदन कीजिए। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप लोगों का सारा जानकारी दिया हुआ है, आप जो यहां से जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों कि किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, कहां से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आप लोगों को अप्रूवल कहां पे वेट करना होता है, कुछ समय आप लोगों को यहां पे इंतजार करना होता है, उसके बाद आप लोगों का जो अप्रूवल है वो होगा, और उसके बाद आप अपना यहां पे लॉगिन करके सर्टिफिकेट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सीएससी के माध्यम से करवाया है तो सीएससी सेंटर से आप अपना जो यहां पे सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहां पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।